एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है ईपीएस पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। पेंशनर्स को लगा बड़ा झटका। पेंशन कैलकुलेशन के नए नियमों पर विचार कर रहा है ईपीएफओ। खास तरह के प्रोरेटा कैलकुलेशन पर आधारित है ये नियम। ईपीएस 95 मेंबर्स के लिए पेंशन में 30-40% कमी आने की आशंका। पेंशन धारकों के लिए चौंकाने वाली खबर, देखिए ताजा रिपोर्ट। ईपीएफओ के लाखों सब्सक्राइबर की होने वाली है मौज। क्या ईपीएफओ ने अब नए आपके लिए ऐलान किए हैं जिसके अनुसार आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो ईपीएफओ से आपकी पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है जिसके अनुसार ईपीएफओ के नए कैलकुलेशन नियम से आपकी पेंशन में क्या बदलाव होने वाला है इसको लेकर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिली है। सभी ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारक के वर्तमान में 68 लाख जो पेंशन धारक है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ईपीएफओ से होने वाली है। तो क्या ईपीएफओ ने इसको लेकर घोषणा की है कि जो नया कैलकुलेशन नियम है जिसके अनुसार आपकी पेंशन में कितने बदलाव होंगे, क्या बढ़ेगी पेंशन या फिर घटेगी पेंशन? तो उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जिसे वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाले। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आप इसी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपकी ईपीएस पेंशन जुड़ी इस तरह की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी दिन भर की, वो सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आपकी पेंशन को लेकर क्या अपडेट होने वाली है। कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन ईपीएफओ हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए नए नियम बनाने के बारे में सोच रहा है। यानी कि जो हायर पेंशन आपको मिलती है उसमें ईपीएफओ नए यानी कि नियम बनाने के बारे में सोच रहा है। इसके कारण कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के जो मेंबर है कहे तो ईपीएस पेंशनर्स है उनके लिए पेंशन घटने की आशंका बताई जा रही है। यानी कि पेंशन कम होने की आशंका बताई जा रही है कि हायर पेंशन में आपकी पेंशन कम कैसे होगी, इसमें की 30-40% की कमी आने की बताई जा रही है। यानी कि 30-40% आपकी पेंशन कमी आएगी। तो क्या ईपीएफओ ने इस नए नियम को लेकर जो बात करेंगे क्या इसको लागू किया है या फिर अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली है और आपकी पेंशन के अंदर इसका कितना प्रभाव होने वाला है? तो आपको बता दिया जाए कि इस पेंशन के कैलकुलेशन को लेकर यह नियम है कि नियम जो रहेगा प्रो रेटा बेस्ड है। यहाँ पर सरकार ने एक नया नियम किया है जिसके अनुसार जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन बढ़ सकती है लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। यानी कि पेंशन के कैलकुलेशन के नए नियमों पर विचार कर रहे हैं ईपीएफओ लेकिन अभी तक ईपीएफओ ने लागू नहीं किया है। खासतर के प्रोरेटा कैलकुलेशन पर आधारित ये नियम होंगे जिसमें कि कर्मचारियों की पेंशन कम से कम 30-40% तक की कमी आने की आशंका बताई जा रही है अगर इस नियम को लागू किया जाता है तो, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ का नया जो कैलकुलेशन नियम है जिसके अनुसार जो ईपीएस पेंशन है उसके पेंशनर से उनको बड़ा झटका भी लग सकता है अगर इस नियम को लागू किया जाता है। तो मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ईपीएफओ हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए नए नियम पर विचार कर रहे हैं। प्रोरेटा कैलकुलेशन पर आधारित यह नियम ईपीएस 95 मेंबर है जो पेंशनर्स है उनमें संभावित रूप से उनकी जो पेंशन आय मिलती है हायर पेंशन का उच्च पेंशन तो उसमें 30-40% की कमी ला सकता है। लेबर एंड एम्प्लॉइज प्रैक्टिस के जो हेड पीवी मूर्ति के ने इस बात की पुष्टि की है कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सेवा अवधि को दो भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर यानी कि इस नियम को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, न ही इसके बारे में कोई सर्कुलर जारी किया। यानी कि ईपीएफओ ने इस अपडेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट देखने को मिली है कि जिसके अनुसार आपकी पेंशन हायर पेंशन आपको मिलती है उसमें 30-40% की कमी आ सकती है अगर इस नियम को लागू किया जाता। तो आखिर ये नियम क्या है? जैसा कि बात करें किन लोगों का यानी कि जो पेंशन कम होगा इस नियम से हायर पेंशन आपको मिलती है जो ईपीएस है उसके लिए प्रोरेटा कैलकुलेशन मुख्य रूप से उन पेंशनर्स को या मेंबर्स को प्रभावित करेगा जो अभी तक काम कर रहे हैं या 1 सितंबर 2014 को उसके बाद रिटायर्ड हो चुके हैं। तो औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए उनकी सेवा अवधि को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले भाग में 16 नवंबर 1995 की तारीख से जो यानी कि 31 अगस्त 2014 तक की अवधि शामिल है। दूसरे भाग में 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की जो तारीख है उसकी अवधि शामिल है और पहले भाग के दौरान 60 महीनों के औसत वेतन को पेंशन कैलकुलेशन के लिए माना जाएगा। दूसरे भाग के लिए जो पिछले 60 महीनों के जो औसत वेतन है उसको यानी कि माना जाएगा। यानी कि इस आधार पर पेंशन के औसत वेतन पर विचार किया जा रहा है जो कि अगर बात करें यदि सेवानिवृत्ति की तारीख 31 अगस्त 2019 से पहले है उसको लेकर विचार किया जा रहा है। पेंशन का आपका अनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा फिर यह दो भागों में बांटा जाएगा जिसके अनुसार बताई जा रही है आपकी पेंशन में कमी होने की आशंका। तो नए कैलकुलेशन नियम के अनुसार पेंशन की रकम में काफी कमी आने की आशंका बताई जा रही है जो कि 31 अगस्त 2014 से पहले जो ईपीएस संस्थान अधिकतम वेतन उनका 6,500 रुपए तक सीमित था और सितंबर 2014 के अंदर यहाँ पर अधिकतम ईपीएस संस्थान को बढ़ाकर 15,000 रुपए लागू किया था। तो नए सदस्य नए वेतन सीमा तक योगदान कर सकते हैं जबकि पुराने सदस्य उनके पास अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ही हायर जो कंट्रीब्यूशन है उसको खातिर आवेदन करने के लिए सीमित है। तो इसे कानूनी लड़ाई हुई थी जिसके कारण यह आखिरकार फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने पुराने सदस्य उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति भी दी है।
हालांकि प्रोरेटा कैलकुलेशन रूल से पेंशन की राशि घटने की तो आशंका है, क्योंकि सितंबर 2014 से पहले वेतन कम था, लिहाजा ज्यादातर लोगों के लिए पहली अवधि में औसत पेंशन जो योग्य वेतन होगा बहुत कम होने के आसार है। तो अगर इस कम पेंशन के योग्य वेतन को प्रोरेटा पर आधारित अंतिम ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है तो कुल पेंशन का 30-40% तक इसमें कमी आ सकती है। तो क्या हो सकता है कैलकुलेशन रूल में बदलाव का कारण, यानी कि जो आपको रूल है नया नियम है जिसमें बदलाव के क्या कारण है, तो ईपीएफओ का यह नजरिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भावना के विपरीत लगता है। अदालत ने कहा कि 2014 के विकल्प का प्रयोग करने के लिए लगाई गई कटऑफ की अवधि अमान्य थी। फैसले ने सभी पात्र सदस्यों की हायर पेंशन के लिए आवेदन करने के अधिकार को बहाल कर दिया है। जो पीवी मूर्ति का मानना है कि हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए ईपीएफओ की ओर से अपनाया गया यह प्रोरेटा नजरिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना के अनुरूप नहीं है और ऐसा लगता है कि ईपीएफओ के वर्तमान कदम की मंशा पेंशन कैलकुलेशन में बदलाव करके पेंशन की राशि को अप्रत्यक्ष रूप से कम करना है। तो अगर इस नियम को लागू किया जाता है तो ही यह प्रभाव होगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की अपडेट देखने को मिली है कि इस नियम को लेकर ईपीएफओ विचार कर रहा है। यह ईपीएफओ कॉर्पस में अपर्याप्त धन के कारण भी हो सकता है। हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्य चिंतित है क्योंकि उन्हें मिलने वाली वास्तविक पेंशन की अपेक्षा से काफी कम हो सकती है। तो ईपीएफओ ने अभी तक नए कैलकुलेशन नियम है जो आपका बताया जा रहा है, इस नियम को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है आधिकारिक। यह महत्वपूर्ण है कि हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों की चिंताओं का समाधान करे। अगर अधिसूचित होने पर नया तरीका सेवानिवृत्ति लोगों को नुकसान में डालता है तो वे सुप्रीम कोर्ट सहित उपयुक्त कानूनी एन की मंचों पर इसे भी चुनौती दे सकते हैं। फिलहाल इस नियम को लेकर अगर देखा जाए तो इसको लेकर चर्चाएं हुई है कि इस नियम को अगर लागू किया जाता है तो आपको जो आयर पेंशन मिलती है इसमें 30-40% तक की कमी आ सकती है, लेकिन इस अपडेट को लागू किया जाएगा तभी। लेकिन अभी तक इसको कोई भी आधिकारिक रूप से लागू करने को लेकर आदेश जारी नहीं हुआ, ईपीएफओ ने कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी पेंशनर्स के लिए ओपीएस को लेकर। क्या पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा एक अपडेट आया जिसके अनुसार आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, यानी कि लाभ क्या मिलेगा, तो इसके में लाखों कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर काफी लंबे समय से कहे तो बेसब्री से इंतजार करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है, चलिए जानते हैं इस अपडेट को विस्तार से। तो आखिर इस अपडेट में क्या आपकी पेंशन को लेकर बताई जा रही है जानकारी, तो पेंशन धारकों ने कई तरीके से यानी कि अनिश्चितता हड़ताल को लेकर अब सरकार को अंतिम विकल्प के रूप में यानी कि चेतावनी दी है कि कर्मचारियों के पास ये अंतिम विकल्प है जिसके माध्यम से सरकार अगर पेंशनर्स की मांग को मानती है नहीं तो फिर यह अनिश्चितकाल हड़ताल है जो कि पेंशनर्स के पास अंतिम यानी कि विकल्प होने वाला है। तो एकमात्र यही विकल्प है पेंशनर्स के पास। तो आपको बता दीजिए कि जो आप सभी की पेंशन को लेकर जो मांगे हैं, जो ईपीएस पेंशन है चाहे ओपीएस का मुद्दा हो, तो यह अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अगर बात करें ओपीएस की तो श्री कुमार का कहना है कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं, जिसके लगभग सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत है कि केंद्र और राज्य के विभिन्न निगमें स्वायत्त प्राप्त संगठनों उसने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारी वो भी सकारात्मक बातचीत हुई है जिसके अंदर भी और कर्मचारियों ने यानी कि हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन की बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन इस बात ने यानी कि अभी तक सरकार ने इस बात को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान जारी नहीं किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की तीन बड़ी रैली हो चुकी है, जो कि एक चौथी रैली यानी कि 10 दिसंबर को भी हो गई थी। अब कर्मचारियों के पास ये अनिश्चितकाल हड़ताल है जो कि अंतिम मात्र विकल्प के रूप में बचा है। 10 अगस्त को दिल्ली रामलीला मैदान में देशभर में लाखों कर्मचारियों ने उसमें भी भाग लिया था, तो लेकिन कर्मचारियों की अभी तक मांग का है तो अभी तक पूरी नहीं हुई। उनकी मांग कि सरकार ओपीएस पर से बाल करे, तो ओपीएस को लेकर जो पेंशन की मांगे अभी जारी है, जिसको लेकर पेंशन धारकों ने जो यानी कि 19 मार्च को ओपीएस को लेकर यानी कि सरकार को नोटिस दिया जाएगा और सरकार अगर पेंशन में बढ़ोतरी करे तो या फिर एनपीएस में संशोधन को लेकर जल्दी से फैसला नहीं सुनाती है तो फिर पेंशन धारकों ने मई के अंदर अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर भी यानी कि सरकार को चेतावनी दी। तो इस तरह की यानी कि आत्मनिर्भर के आप सभी पेंशनर्स के लिए अपडेट होने वाली है। तो इस तरह की और भी नई ताजा अपडेट आप पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन पर प्रेस कर दीजिएगा।